आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार बच्चों, यहाँ अपने सामने गद्यांश है। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। भार्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूप के साथ चरित्र का स्पर्श हो जाता है तब उसमें रसास्वादन की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती है। इस दृष्टि से कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्ण है जबकि मनोहर व्यापक तथा विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है तथा उसे मनोहर कहते हैं। यह अपना गद्यांश और इससे संबंधित अपना प्रश्न है। कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर क्यों नहीं? यहाँ पे अपने पास विकल्प है, यह इंद्रिय सुखदायक है, इसमें केवल सौंदर्य वर्णन है, यह चित्त को आनंदित नहीं करता, इसमें अनुभूति नहीं है। देखिए जैसा कि अपने पास यहाँ पर इस अपनी चौथी लाइन में दे रखा है कि इस दृष्टि से कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है। देखिए यहाँ पे जो सुंदर चित्रण होता है उसे कैसा शब्द बताया गया? सुंदर एक संकीर्ण शब्द है जबकि मनोहर क्या है? व्यापक और विस्तृत शब्द है। और जो सुंदर होता है वो एक वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती है जबकि जो मनोरम वस्तु होती है वो चित्त को आनंदित करती है। तो यहाँ पे अपने से प्रश्न में पूछा गया है कि कवि जयदेव का वसंत चित्रण सुंदर है पर मनोहर नहीं, क्योंकि यह अपने चित्त को आनंदित नहीं करता है, यह चित्त को आनंदित नहीं करता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर भी यही हो जाएगा क्योंकि जो एक वस्तु होती है वो इंद्रियों को संतुष्ट करती है जबकि मनोरम वस्तु चित्त को आनंदित करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अपना विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। अन्य तीनों विकल्प यहाँ से गलत हो जाएंगे। सही विकल्प अपना है विकल्प नंबर 3। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।